अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। जैसे कि आपने टाइटल से जान लिया होगा, आज मेरा है एनटीएस का टेस्ट इंटरलूप का। सबसे पहले हम आज टेस्ट देंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि टेस्ट कैसे दिया जाता है और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी इंटरलूप की। इंटरलूप एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर कुछ स्टेप्स होते हैं रिक्रूटमेंट के। पहला होता है कि आप अप्लाई करते हैं, फिर एनटीएस टेस्ट होता है, फिर पैनल डिस्कशन होती है, फिर इंटरव्यूज होते हैं, फिर सिलेक्शन होती है। तो आज मेरा एनटीएस का टेस्ट है, तो आपको मिलते हैं एनटीएस के टेस्ट सेंटर में। अल्लाह हाफिज़। जी, तो मैं टेस्ट सेंटर पहुँच चुका हूँ। मेरा जो टेस्ट सेंटर बना है वो एस्पायर कॉलेज है। तो सबसे पहले मैंने अपनी बाइक पार्क की है, उसके बाद मैंने अपना मोबाइल और बैग जमा करवाया, उसके बाद फिर मैं टेस्ट देने के लिए गया। तो बहुत ज़्यादा आवाम आई हुई है टेस्ट देने के लिए, जिस तरह आप देख ही रहे हैं। तो टेस्ट के बाद आपसे मुलाकात होती है, और ये है एस्पायर कॉलेज। काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है, अंदर से भी बहुत खूबसूरत है ये। तो अब हम मिलते हैं टेस्ट के बाद। ओके, स्टे ट्यून विद अस। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा टेस्ट हो चुका है एनटीएस का। एनटीएस का टेस्ट इतना मुश्किल नहीं था, ना आसान था, बस हमने कर दिया। तो हम आज रिव्यूज़ लेते हैं। मंसूर भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मंसूर भाई इस्लामाबाद से टेस्ट देने के लिए आए हैं यहाँ पर इंटरलूप में। तो क्या रिव्यूज़ हैं आपके, कैसे टेस्ट हुआ आपका? टेस्ट सही था, मतलब कि एनालिटिकल रीजनिंग इसकी डिफ़िकल्ट थी, बाकी टेस्ट सही था, इजी था। सिंपल बेसिक क्वेश्चन थे, केमिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड थर्मो के थे, मतलब सिंपल थे, इतने डीप नहीं थे। सीआरई के थे और पॉलीमर के भी काफ़ी क्वेश्चन, पॉलीमर के बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि मैंने पॉलीमर नहीं पढ़ी तो मुझे डिफ़िकल्टी हो रही थी उसमें। अच्छा, पॉलीमर के काफ़ी क्वेश्चन थे। बहरहाल ओवरऑल सही था, जनरल अच्छा था। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। हमारे साथ ये जुनेद भाई हैं और हमाद भाई हैं। जुनेद भाई और हमाद भी, आप बताएं कि आप किस डिपार्टमेंट से हैं और किस यूनिवर्सिटी से हैं, और आपके टेस्ट के बारे में क्या रिव्यूज़ हैं? हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं। अभी हमने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में यहाँ पर अप्लाई किया। हम यूटी लाहौर से, हमने रिसेंट मतलब फ्रेश ग्रेजुएट्स, हम 2022 में हम ग्रेजुएट हुए हैं। और टेस्ट जो था वो हमने पैटर्न तो हमें पता था कि 50% हमारा सब्जेक्ट बेस्ड था, और 50% जो था वो उसके जनरल नॉलेज जो रही है एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन थे। और ओवरऑल टेस्ट इजी था, कुछ ना कम्प्लेक्स नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जी? मेरा नाम जिनेश आजाद है, मैं यूटी लाहौर इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ। मैं भी यहाँ पे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का टेस्ट देने आया था, और ओवरऑल टेस्ट वो इजी था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं था, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं था, नॉर्मल टेस्ट था। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। मैं आपको बताता हूँ कि इस सेंटर में कितने लोगों ने अप्लाई किया है और कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। ये जी केमिकल इंजीनियरिंग के ना, यहाँ पे ये 1 से 30 और 31 से 49, मतलब 49 बंदे थे केमिकल इंजीनियरिंग के। मैनेजमेंट के बड़े बंदे थे जनाब, चेक करें 181 से 191, 100 बंदा था इनके पास। और केमिस्ट्री के 60 बंदे थे, नहीं 77 थे, 100, ये भी काफ़ी थे। डेटा साइंसेस के थोड़ी थे, 5 थे, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी बाकी थोड़े ही थे, इतने ज़्यादा नहीं थे। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के काफ़ी ज़्यादा हैं, 60, 90, इंडस्ट्रियल के भी काफ़ी थे, 90 बंदे थे। और इनको चाहिए कितने थे, IAS इसका नहीं पता, ये बल्ब का क्या मतलब है। बाकी मैनेजमेंट के ये नीचे भी आए हुए हैं, 60, 90, 120, 150, 180 तो ये हैं मैनेजमेंट के। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पॉलीमर इंजीनियरिंग के, पॉलीमर के थे इसलिए पॉलीमर के भी हैं, हमें भी दिए होते केमिकल वालों को भी। 6 बंदे। टेक्सटाइल डिज़ाइन के कितने बंदे थे जी? 2 बंदे थे। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के 16, और मतलब टेक्सटाइल के काम थे, मैनेजमेंट के और केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये सारे ज़्यादा थे। पहर के 2 बज चुके हैं और मेरा लस्सी पीने का दिल किया, तो मैंने यहाँ पे बाइक अपनी रोकी और बिस्मिल्लाह मिल्क शॉप, जहाँ से हम दूध भी लेते हैं, तो वहाँ से मैंने लस्सी पी। बहुत ही मज़ेदार लस्सी थी, ठंडी भी थी। मैं घर पहुँच चुका हूँ। आज मैंने एनटीएस का टेस्ट दिया इंटरलूप कंपनी के लिए। इंटरलूप जो है टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है,
और मल्टीनेशनल कंपनी है और पाकिस्तान में ये पांचवें नंबर पे आती है एक्सपोर्टर में, पहले नंबर पे स्टाइल टेक्सटाइल है। दोस्तों आज मैं एनटीएस के हवाले से बात करना चाहूँगा कि एनटीएस का टेस्ट ना अच्छा हुआ ना बुरा हुआ, नॉर्मल हुआ। इसमें ज़्यादातर एमसीक्यूज जो आए हैं केमिकल इंजीनियरिंग के, वो पॉलीमर के रिलेटेड ज़्यादा एमसीक्यूज थे, और जो है फ्लूइड मैकेनिक्स के भी क्वेश्चन थे कुछ, और एनालिटिकल पोर्शन बहुत आसान था, लेकिन वो मुझसे नहीं हो सका, उसकी वजह बताऊंगा मैं आपको। और साथ वर्बल पोर्शन इजी था और साथ मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव पोर्शन भी इजी था। अच्छा, एनालिटिकल पोर्शन की आप लास्ट पे करें, उसको 30 मिनट्स का टाइम होना चाहिए मैक्सिमम, उसके लिए 30 मिनट्स आपको रखने चाहिए। और आपने एक बात याद रखनी है, जब आपने एनटीएस के जो सर्कल्स फिल करने हैं जब आपने पेपर पर, तो वो आपने साथ साथ करने हैं। मैंने गलती की कि मैंने उसको लास्ट पे जाकर सारे फिल किए, तो वो मेरे लिए हार्ड हो गया बहुत ज़्यादा काम। तो आपने चीज़ें याद रखनी है कि आपने जो सर्कल साथ साथ फिल करने हैं, क्वांटिटेटिव पोर्शन आपने दरमियान में कर लें, और जो है एनालिटिकल रीजनिंग है वो लास्ट पे आप करें, तो आपका एनटीएस टेस्ट बेहतरीन हो जाएगा। तो इंटरलूप के जो होते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, पहले अप्लाई करना है, फिर एनटीएस टेस्ट, फिर पैनल डिस्कशन होती है, फिर आपका इंटरव्यू होता है, देन आपकी सिलेक्शन होती है। तो अगर आपका एनटीएस में अच्छे मार्क्स आ जाएं, आपको पैनल डिस्कशन के लिए बुलाएंगे, फिर इंटरव्यू के लिए इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने टेस्ट दे दिया, अच्छा या बुरा, टेस्ट नॉर्मल हुआ, लेकिन आगे नंबर आएंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या सिलेक्शन का आगे प्रोसेस है। तो दोस्तों आपने मेरी वीडियो देखी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह पाक जिन जिन ने टेस्ट दिया उन सबको कामयाब करे। तो आप मेरे व्लॉग्स को देखते रहें, इंशाल्लाह मैं इसी जो हम मैंने वीडियो बना रहा हूँ इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक भी दे दिया है, जो आज एनटीएस के एमसीक्यूज आए हैं उसका मैंने उसकी वीडियो बना दी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और मज़ीद एनटीएस की वीडियोस भी मैं इस चैनल में अपलोड करूँगा, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए कि आपको नई नई जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो आपके सिलेक्शन प्रोसेस टेस्ट वगैरह के बारे में पता चलता जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपने मेरी ये वीडियो देखी, जज़ाकअल्लाह, अस्सलामुअलैकुम।